हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4th चैप्टर भी हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने सप्लाई जो है वो स्टार्ट किया था। तो सप्लाई का मीनिंग क्या था कि सप्लाई इज़ दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो है वो सप्लाई का मीनिंग हमने देखा। फिर हमने सप्लाई और स्टॉक का मीनिंग देखा। फिर हमने जो है वो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई वो टॉपिक भी कंप्लीट किया कि स्टॉक जो है वो क्या है। तो स्टॉक का मीनिंग क्या था कि स्टॉक इज़ अ टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विच अ प्रोड्यूसर विल कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ मार्केट एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर। एंड प्रोडक्शन का मीनिंग भी हमने देखा। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर द ग्रुप्ड अंडर द टू कैटेगरीज। फर्स्ट है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सेकेंड है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब सप्लाई को ये कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस इज एन इम्पोर्टेंट डिटरमाइंट ऑफ सप्लाई। अ प्रोड्यूसर सेल्स फॉर प्रॉफिट एंड दस she he supplies more than more when the price of a product rises and the supply less when the price of a product falls. thus there is a no positive relationship between price of goods and its supply. ab other than price ke price ke alawa supply ko kya effect karta hai to usme first hai price of factors production cost of production. supply is affected by change in production. सप्लाई जो है वो प्रोडक्शन में जो चेंज होता है तभी भी अफेक्ट करता है। एग्जांपल देखें तो रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड, वेजेस पेड टू द लेबरर डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। व्हेन द प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीजेस प्रॉफिट इंक्रीजेस। प्रोडक्शन की जब कॉस्ट डिक्रीज होती है तो अपने आप प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इफ़ प्राइस रिमेन्स अनचेंज एंड हैंस द सेलर इज़ विलिंग टू सेल द ग्रेटर अमाउंट्स। Hence, supply expands with price of factors of production fall, while if cost of production rises, vice versa happens, then it is a supply contracts. तो मतलब other than price में सबसे पहला factor जो supply को affect करता है वो है production और cost of production. Second जो है वो है level of technology. When the state of technology advances, time affords are served. Hence, greater amounts of better quality ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द सेम और लोअर कॉस्ट। तो मतलब टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तब कॉस्ट लोअर हो जाती है। इफ़ मार्केट प्राइस डज नॉट फॉल देन प्रॉफिट इंक्रीजेज एंड सेलर आर विलिंग टू सेल मोर। सप्लाई एक्सपांड्स। कंट्रीज दैट यूज मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एट लोअर कॉस्ट। मतलब उनके पास इतनी मशीनरीज होती है तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी है वो बड़ा अफेक्टेड जो उसका फैक्टर है। नेक्स्ट जो है उसका पॉइंट है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। इसकी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती है रिगार्डिंग प्राइस, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस अफेक्ट्स द करंट सप्लाई ऑफ गुड्स। इफ़ सेलर स्पेकुलेट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट टू राइज फ्यूचर इन फ्यूचर देन दे विल कॉन्ट्रैक्ट द सप्लाई इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड टू बिल्ड अप द स्टॉक फॉर द फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। ये तीन फैक्टर्स थे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। फोर्थ एंड लास्ट है अदर फैक्टर्स। Supply increases when there is an increase in number of firms producing a products, when political stability exists, political changes होते हैं, natural conditions remain conductive, when efficient law and other mechanisms are legal system exist, when industrial relations are maintained well between two owners and workers of production and marketing activities. एंड सप्लाई डिक्रीजेज वैन अबोव फैक्टर्स आर अगेन सप्लाई। ये सारा फैक्टर्स जो है वो सप्लाई के साथ है तो सप्लाई इंक्रीज होता है, और ये साथ नहीं है तो सप्लाई डिक्रीज होता है। तो आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कम्प्लीट किया है। होम असाइनमेंट में ये जो क्वेश्चन है वो आपको रीड करना है बस। थैंक यू।